अरमान जी दसते हैं तुसी किद्दां मिले इन्हां नूं, ऑलरेडी मैरिड सीगे ते किद्दां थोड़ी लव स्टोरी स्टार्ट हुई, पर जदों तुहानूं पता सी कि ऑलरेडी मैरिड है ते तुसी किद्दां इह चीज़ किद्दां तुसी यूज़ टू होए ते तुहाडा की रिएक्शन सी टू उस बंदे नाल प्यार च पैण लई कि जिहड़ा ऑलरेडी विआह होया होया है ते उहदे नाल फिर विआह वी करवाउणा, ते सारी स्टोरी किद्दां स्टार्ट हुई ते तुहाडा किद्दां रिएक्शन रिहा इस चीज़ नूं? पायल मेरी फ्रेंड थी स्टार्टिंग से, तो मैं पहले सबसे पहले पायल से मिली, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो मैं इनके घर मोस्टली आती थी। तो जब फिर मुझे अरमान जी मिले, मेरी उनसे बात हुई, पायल को बताया हमने कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, पायल की तरफ से कोई भी रिजेक्शन नहीं रहा, तो फिर हम दोनों ने भी 6 दिन में शादी कर ली। तो मुझे पता था सब कुछ कि चीकू है, पायल है उनकी लाइफ में, तो मैंने वो रिश्ता एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरे को साथ में रहना था और मेरे को था कि मैं रह सकती हूँ क्योंकि मेरा जो पायल के साथ बॉन्डिंग था वो बहुत अच्छा था। तो मुझे लगता था फ्यूचर में हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि हमें कोई प्रॉब्लम हो या मैं उसको खटकूँ या पायल मुझे खटके, क्योंकि रिश्ता पहले से हम दोनों अच्छे फ्रेंड थे, तो मुझे श्योर था कि रिश्ता आगे जाके भी निभेगा। मैं जे मैं पूछा अरमान जी ज़्यादा टाइम पायल जी दे रहे हैं या थोनू दे रहे हैं, तो तुसी इस चीज़ नू किद्दां मैनेज करते हो या इस चीज़ नू किद्दां बैलेंस आउट करते हो? कदे थोनू इस चीज़ नू लेके कदे लड़ाई हुई है घर विच कि ज़्यादा टाइम पायल नू देता तो मैनू नहीं देता, तो उपरों एक बच्चा भी है तो मेरा टाइम कितने ना कितने खादा जा रहा है दूसरे बंदे वालों? इस चीज़ नू तुसी किद्दां रिएक्ट करते आए हो अज तक? एक्चुअली क्या है, पहले तो मैं बता देता हूँ कि मतलब 24 घंटे में से 15 घंटे साथ रहते, मेरा रहता है इधर चला गया उधर चला गया, फिर रह जाती है रात। तो क्या होता है ना कि आपका दिन तो कट जाता है जब आपका पति हो या फिर बीवी, पति अगर आपका किसी और के साथ सोता रात को तो नींद नहीं आती, चाहे कोई भी आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो। और उसका सलूशन मैंने पहले निकाल दिया था, मैंने क्या किया, एक बड़ा सा बेड लिया कि हम तीनों एक साथ सोएंगे और चीकू हमारे साथ, तो चीकू छोटा है अभी तो साथ ही सोता है, अगर प्राइवेसी हमारी तीनों की एक साथ ही रहती है, हर चीज़ हम खाएं पिएं नहाएं कुछ भी है। तो क्या ना, वो पहले तो वो कलेश ख़त्म किया ज़िंदगी का कि हम एक साथ ही सोते हैं तीनों एक ही रूम में, तो यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी हूँ तो यहाँ पे बड़ा बेड नहीं है, तो चीकू दूसरे रूम में सोता है, तो क्या होता है ना रात को घूम फिर के हम तीनों एक साथ सो जाते हैं। दो बंदियां विच सपोज करो जे कोई लड़ाई हो गई, कोई गलबात होंदी है, तो दो बंदे तो सॉर्ट आउट कर लेंदे है, हुण जिवें तुसी तीन जाने हो, तीनों व्यक्ति किद्दां चीज़ां नूं कि सारे जाने इस चीज़ नूं जरूर जानना चाहणगे कि किद्दां तुसी तीन जाणियां विच कोई बहस होगी? मैं देती हूँ, मैं देना चाहती हूँ, मैं और पायल मिलके देना चाहते हैं। बात रही लड़ाई की, तो मैं और पायल बिल्कुल 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 भी नहीं लड़ाई करते, हमारे घर में सिर्फ एक ही बंदा लड़ाई करता है, सो सॉरी टू से ऑन कैमरा, बट वो अरमान है, वही लड़ाई करते हैं हमसे, मैं और पायल बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि हम फिट रहे, अगर हम बाहर का कुछ अटरम शटरम खाते हैं तो इस बात की लड़ाई होती है, ना पहनने पे, ना ओढ़ने पे, ना घूमने पे, किसी चीज़ पे हमारी पाबंदी नहीं है, बट वही है कि फिट रहने की वजह से लड़ाई होती है, तो लड़ाई की तो बात होती ही नहीं, अगर लड़ाई होती है तो वो इनकी तरफ से होती है, मेरी और पायल की लड़ाई नहीं, लोगों की नहीं होती। चीकू हमें ये बताओ कि आप किससे ज़्यादा प्यार करते हो? दोनों मामा से? कौन सी वाली मम्मा डांटती हैं? पायल मम्मा। कभी मार भी पड़ी उनसे? हाँ। कितनी? बहुत बहुत। जे तुसी एक्सप्रेस एंट्री दे विच या पीएनपी दे थ्रू या एलएमआईए दे थ्रू या जॉब ऑफर दे थ्रू जाके पक्के तौर ते सेटल होना चाहते हो, या तुसी स्टूडेंट वीजा ते कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप दे नाल घट फीस ते तुहाडे एजुकेशन च गैप है ते तुसी पढ़ के जे सैटल होने का सपना पूरा करना चाहते हो, तुसी हेठ लिखे नंबर पर कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल। खबर की ताज़ा अपडेट के लिए साडे यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो, फेसबुक चैनल लाइक शेयर करो।